गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बथुआ, जो बथुआ होता है उसका हम पराठा बनाएंगे, आलू भर के, बथुआ के आलू भर हुए पराठे बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये बथुआ ले रखा है, बहुत ही फायदा करता है। देखिये, इसे मोटे जो डंठल है हमें निकाल लेना है, ऐसे बारीक काट लेना है। और हमने ये ले रखा है आलू, हमने उबाल के और मसल लिया है। हमने हरा धनिया ले रखी है, दो हमने हरी मिर्चे और लहसुन प्याज, हमें इसे बारीक काट लेना है। लहसुन, हरा मिर्च और प्याज को हम बारीक इसे काट लेंगे, इसमें डाल के इसे बारीक काट के हम डालेंगे आलू में। देखिए, हमने इसे इसमें ले लिया, इसे हमें बारीक काट देना है। हमें इसे भी अच्छे से बारीक काटना है, बथुए को भी। देखिए, इसे हमें ऐसे पकड़ के, ऐसे ही करते हुए हमें इसे अच्छे से बारीकी से काट लेना है। फिर से हम क्या करेंगे, वापस रख देंगे, जो भी बड़े टुकड़े रहेंगे वो अच्छे से कट जाएंगे। फिर हमें ऐसे ही करते हुए बारीकी से काट लेना है। देखिए, हमने इसे काट लिया है। अब इसे हम साफ से अच्छे से धुल लेंगे, जो भी धूल मिट्टी वगैरह होगा इसमें का अच्छे से निकल जाएगा। देखिए, हमने पैन को चूल्हे पे रख दिया है, पैन हमारा गर्म हो रहा है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे, तेल हमारा गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम जीरा डालेंगे। देखिए, हमने ये सौंफ डाल दिया, ये जीरा और ये हींग, हमने इन सबको डाल दिया इसमें। अब इसे थोड़ा ऐसे हिला देते हैं कि अच्छे से ये चटक जाए, कलर चेंज हो जाएगा, सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगती है, तभी स्वाद अच्छा लगता है। देखिए, हमने ये जो बारीक काट के लहसुन और प्याज, हरा मिर्च रखा था, वो हमने डाल दिया इसमें। अब इसे अच्छे से हम चला देंगे, हल्का हल्का सा कलर चाहिए इसका होना चाहिए, ज्यादा इसलिए हमें नहीं भूनना, नहीं तो इसका स्वाद चला जाएगा। हल्का सा बस इसका कच्चापन खत्म हो जाए, बस देखिए ये हो चुका है 2 मिनट। अब इसे ज्यादा हमें नहीं करना है। अब इस समय हम डालेंगे अपने आलू को, जो हमने आलू मसल के रखा हुआ है, हम आलू को डाल देते इसमें। हमने आलू को अपने डाल दिया, इसमें अच्छे से इसे मिला लेना है। इसमें हम डालेंगे मसाले, देखिए अच्छे से हमें मिला लेना है। इसमें हम मसाले डाल देते हैं, मसाले डाल के अच्छे से साथ में मिला लेंगे। ये जीरा पाउडर, ये हमने चाट मसाला ले रखा है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, ये गया हल्दी का पाउडर, ये धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा और डाल देते हैं, बस इतना ही हमें चाहिए। अब मसालों को अच्छे से मिला देते हैं। देखिए, इसे अच्छे से हमको मिला लेना अपने मसालों को। देखिए, अच्छे से हमारे मसाले मिल गए। ऐसे करके तैयार करने से मसाले जो आलू में, मतलब हम लोग आटे में भर के बनाएंगे, तो आटे तो पराठे जो है हमारे गेहूं के आटे के बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला दिया। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे इस पे, ऐसे ही कि अच्छे से जो भी हमने डाले मसाले वो अच्छे से पक जाए। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला दिया, 2 मिनट रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखना हमें। देखिए, 2 मिनट हो गया। अब इस समय डाल देते हैं अपना हम हरा धनिया, हमने हरा धनिया डाल दिया इसमें, इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं, इससे स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए धनिया जब डालना जरूरी है। देखिए, हमने अच्छे से मिला दिया। अब इस चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। देखिए, इस मसाले में से हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं कटोरी, इसको हमको बनाना है पराठे, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। हम कटोरी में से निकाल दिए, इसे इधर रख देते हैं, इधर इसे हम साइड में हटा देते हैं। देखिए, हमने ये 1/2 किलो गेहूं का आटा ले रखा है, इसमें हम ये छेना नमक डाल देते हैं। देखिए, हमने अजवाइन ले रखी, इसे हमने क्रश करके ऐसे डाल देने से स्वाद इसका बढ़ जाता है, इसलिए हमने अजवाइन डाल दिया। अब इसमें तेल डालेंगे। देखिए, हमने इसमें
एक बड़ा छोटा चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना बथुआ जो हमने काट के रखा हुआ था। अब इसे डाल के हम आटे को गूंथ के तैयार करेंगे। देखिए हमने ये बथुआ है जो ले रखा था, देखिए अब इसे हमें अच्छे से मिला देना है। अब उसको आटा हम गूंथेंगे। अब इसमें हल्का हल्का सा पानी डाल के अच्छे से हमको अपने आटे को गूंथ के तैयार करना है। एक ही बार हमें पानी नहीं डालना चाहिए आटा गूंथते समय, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छे से आटे हमारे गूंथा नहीं पाएंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डाल के आटा गूंथेंगे अपना। तो मेरा आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंथ के तैयार होगा, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ही डालना चाहिए आटा गूंथते समय। इसमें बहुत अच्छे से मतलब ये कि लस्सी बनती है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथने से, और बहुत जल्दी झटपट गूंथ के तैयार भी हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूंथ के तैयार करना है। देखिए आटा हमने गूंथ के रेडी कर लिया। इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख दे रहे हैं। 10 मिनट बाद अपने हम पराठे तैयार करेंगे। देखिए 10 मिनट हो गया, आटा हमारा सेट हो गया। अब इसमें से हम ले लेते हैं आटे में से, इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। इतना बड़ा बड़ा हमें ले लेना है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। अब इसे हम ऐसे ही गोल करते हुए इस पे हम लगाएंगे सूखा आटा। देखिए ऐसे ही करते हुए इस पे हम सूखा आटा लगा लेंगे। देखिए हमने इस पे सूखा आटा लगा लिया। अब इसे ऐसे ही गोल करते हुए अब इसमें हम डालेंगे अपने जो मसाले तैयार किए हुए आलू के। अब इसे मसालों को हम डालेंगे। देखिए इसे डाल के अच्छे से हमें ऐसे ही घुमाते हुए सील कर देना है। ये हमारे बथुआ के पराठे आलू भर के तैयार। देखिए ऐसे ही करके इसे हमें आटा सूखा लगा के अब इसे हमें बेल लेना है, पूरी तैयार मतलब रोटी बना देनी इसकी। देखिए इस पे हमने सूखा आटा लगा लिया। अब इसकी हम तैयार कर लेते हैं इसे बेल के अपनी, कितनी साइज की हमें इसका पराठा चाहिए। देखिए इसे हमें ज्यादा तेज दबा के हमें नहीं बेलना, हल्के हल्के हाथों से हमें बेल के तैयार करना अपने पराठे को। या हम बथुआ जो होता है बहुत ही फायदा करता है। देखिए इसे हम अच्छे से, कहीं भी सूजन वगैरह रहता है, पथरी है, इसको खाने से बहुत ही फायदा है। हल्के हाथों से इसे हमें बेल लेना है। बथुआ बहुत ही फायदा करता है, ठंड मतलब सीजन है उसका, सर्दियों में मिलना स्टार्ट हो जाता है, गेहूं वगैरह बोया रहता है तो खेतों में उगने लगते हैं, इसलिए अब मिल रहा है, इसलिए बनाए जरूर बनाए। देखिए हमने एक को तैयार कर लिया, दूसरे हम लेते हैं इसमें से बॉल जो हमने तोड़ के रखे थे। अब इसे भी हम आटा सूखा लगा लेते हैं, इसमें भी सूखा आटा लगा के अब इसे भी ऐसे ही गोल करते हुए हमें, देखिए अब इसमें से हम ले लेते हैं मसाले में से जो हमने तैयार किए। अब इसे भी हम ऐसे ही हाथों से थोड़ा सा नीचे करके ऐसे करते हुए इसे हमें देखिए सील कर देना है। ऐसे ही सील हो गया। अब इसे हमें निकालना बिल्कुल नहीं, ये कुछ नहीं, ऐसे ही सही रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम सूखा आटा लगा के अपनी पूड़ियां बना के, जिन्हें जैसे हमने पहले तैयार किया है मतलब पराठा तैयार किया है, वैसे इसे भी हम तैयार कर लेंगे सूखा आटा लगा के। देखिए हमने इसे तैयार कर लिया। अब इसे भी हम प्लेट में रख लेते हैं। अब सारी चीजें हटा के अब इसे हम सेकने की तैयारी करेंगे। देखिए हमने तवा ले रखा, चूल्हे पर रख दिया, हमें चूल्हे को ऑन कर देना है। इसे हम गरम करेंगे। गरम हो जाने के बाद हम अपने पराठे डालेंगे इसपे। इसपे हम हल्का सा घी लगा देते हैं, क्योंकि घी नहीं लगाएंगे तो जो हमारा तवा है वो खराब हो जाएगा। खाली इसे नहीं रखना हमें चूल्हे पे, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। इस मतलब ये बर्तन जो है खराब हो जाते हैं, इस चूल्हे पे खाली बिल्कुल नहीं रखना है, इसलिए हमने हल्का सा घी लगा दिया। अब इसे हम अपने पराठे को डाल देते हैं जो हमने तैयार किए हैं। इसे हमें उलट पलट के अच्छे से सेकना है। देखिए एक साइड ये सिक गए हैं हल्के हल्के से, अब इसे हम पलट देते हैं। अब दूसरे साइड भी अच्छे से इसे हम सेक लेंगे। इस पे इधर घी लगा देते हैं। देखिए इस साइड हमने घी लगा दिया, अब दूसरी साइड से हम पलट देते हैं। देखिए इधर भी हल्का सा लगा देते हैं,
हमने दोनों साइड घी लगा दिया है। अब इसे उलट पलट के हमें अच्छे से पराठे को अपने सेकना है। देखिए ये हमारा पराठा तैयार हो गया, इसे हम प्लेट में ले लेते हैं। अब हम दूसरा वाला अपना पराठा डाल देते हैं। इसमें हमने दूसरा पराठा डाल दिया, थोड़ा हमने चूल्हे को अपनी तेज कर दिया है। देखिए अब इसे भी हम वैसे ही जैसे हमने पहली बार सेका, इसे भी हम उलटते पलटते अपने पराठे को सेक के तैयार कर लेंगे। देखिए दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम उतार लेते हैं प्लेट में, चूल्हे को हम बंद करेंगे। देखिए हमारे दोनों पराठे बनके हो गए तैयार। आप सोच रहे होंगे काला क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये काले गेहूं के आटे के पराठे हैं हमने बनाया है। बथुआ के पराठे हमारे आलू भर के बनके हो गए तैयार। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए इसे हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि हमारे पराठे कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे पराठे हमारे बनके तैयार हुए हैं।